मैं मेरी अटेंडेंस हुई। जी जी बेटा, हु इज दिस आजान अली, हु इज दिस आजान अली? कोई आजान नहीं है। हाँ बेटा आप अपना नाम वापस से चेंज कीजिए ताकि आपकी बेटा, अटेंडेंस हो जाए। ही लेफ्ट। ओके, सबकी अटेंडेंस हो गई। सुरेश, यस रोल मैम, नंबर 12। अच्छा, ये सुरेश थे। सुरेश, सानिया शबीर। अपना नाम रखा करो बेटा और अपना रोल नंबर भी, ठीक है मैम जी? हमें क्या निकालना है? आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश टेक्स्ट बुक हमने कंप्लीट करी है, ठीक है? तो आज आप मैम इंग्लिश आपको ग्रामर। कोरोमंडल फिशर्स है ना, वो पॉइंट आपने उसके क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं किए। अच्छा एक बात हो, और जो मैंने पीडीएफ मैं सेंड की ना स्टूडेंट्स, आई नो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो मैंने गया है कि मैम ने बुक वर्क सेंड की है, उसमें वो बुक वर्क नहीं क्वेश्चन लिखा है आंसर सेंड। कोरोमंडल फिशर्स। मुस्कान, जो मैंने यस मैम, पीडीएफ मुझे में भी याद सेंड रहा की है था, ना पहले कंफ्यूजन, वो लेकिन बुक मुझे फिर वर्क समझ नहीं आ गया। है, वो क्वेश्चन आंसर्स है। आया मैम समझ मुझे कोई मुस्कान? आपकी पीडीएफ आई ही नहीं। आप ग्रुप में चेक करो, आप देखो जिस दिन मैंने कोरोमंडल फिशर्स कंप्लीट किया है उस दिन मैंने उसकी पीडीएफ भी सेंड की है। वालेकुम मैंने भी लिख लिया। सलाम, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम और उसकी चेक बुक गई सलाम। थी, ये देखो। स्टूडेंट्स लिसन टू मी, वहां से बहुत शोर आ रहा है, मैं आप सबको नहीं सुन पा रही हूँ क्लियरली, तो आप अब मेरा ही सुनिए, एक बार मेरी ही बात को सुनिए। जो जब मैंने कोरोमंडल फिशर्स कंप्लीट किया तभी मैंने उसकी पीडीएफ सेंड की, लेकिन मैंने उसकी जो काम थी क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैंने एक बुक पे लिखे हैं, तो वो उसी की पीडीएफ बनाकर मैंने आपको भेज दी, लेकिन वो बुक वर्क नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर्स है, राइट? तो बुक वर्क वो नहीं है, वो क्वेश्चन आंसर्स है और उसको नंबरिंग देके है किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको आंसर सीधे समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को वो पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है, आप देख सकते हैं ग्रुप में, आप चेक कीजिए, आपको वो मिल जाएगी। आज हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है, तो आप सब पेज नंबर 133 निकालेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक? मैम मजबूर यू मेरी आर, बुक लेकिन वाला था, क्या चलते बोल सकते हैं, क्या लेसन हैं नंबर? जी। मैम साइन लेसन नंबर, ऑन लेस चैप्टर नंबर 23, साइन ऑनिम्स एंड एंटोनिम्स। मसरूर आप क्यों लेट आते हैं क्लास में? निकालना है बेटा इंग्लिश ग्रामर्स मैथ चैप्टर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। जो है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर उसका जो एंड का क्वेश्चन है ना, उसमें है ना लाइट्स को नाइट लिखे हैं, और सी मैं उसके बाद हमें लिखना है उसको एंड और रेस्पेक्ट टू बी। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया जैसे वो नंबरिंग देकर है ना उसके हिसाब से ही उसका राइमिंग वो मैम देकर, रेस्पेक्टिवली मैम वो भी लिखना था है। ना हाँ 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 मैम। जी मैम मुझे है जी यार, मैम मुझे पेज नंबर पे 141 पे। मैम आपको पेज नंबर यही 141 पे लेसन चाहिए? है। यस मैम मैंने मुझे भी है 141 पे। एंटोनिम्स। अब टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से निकालिए बेटा, निकाला सबने? आपने देखा होगा कि कभी कभार हम कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका माने सेम होता है, जिनको हम उर्दू में हम माने लफ्ज भी कहते हैं। देखिए लफ्ज तो अलग अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होती है, लेकिन मीनिंग सेम होती है। आप उधर बोल रहे, पेज नंबर क्या है? मैं गई थी नीचे बुक लाने। जी मैम आप मुझे बोल रहे, पेज नंबर क्या है? मैं गई थी नीचे बुक लाने। पेज नंबर है 133, चैप्टर नंबर ट्वेंटी मैम थ्री जिनको नई बुक है साइनोनिम्स उनको एंड एंटोनिम्स। 141 पे। 141 मैम जिनको नई लेकिन बुक है 141 पे। जिसको नई आप बुक की है कौन उसका सी बात है? पेज नंबर वैरी हो सकती है,
अब आप देखिए चैप्टर नंबर यही है नंबर जी। हाँ हाँ यही मैम, जिनको नहीं पता पेज नंबर 141। ओके आदमी उरूज यही है बेटा। निकालिए जल्दी से, जल्दी निकालिए ताकि आपकी क्लास में जल्दी से स्टार्ट करो। Do you have friends? Sign on electroniums. मैं वीडियोस ऑन रखने हैं या ऑफ? नहीं आप वीडियोस ऑफ कीजिए, आप पहले समझिए उसके बाद हम इसकी बुक वर्क भी करेंगे, ठीक है? तब तक आप सब अच्छे निकालेंगे, ठीक है? वगैरह निकाली सबने बुक्स? यस सर निकाली। ओके आपने देखा होगा कि जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम बहुत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका माने सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग वर्ड बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं हम माने अल्फाज, यानी एक जैसा माने जिनका होता है, ठीक है? उन्हीं को इंग्लिश जुबान में क्या कहते हैं? साइनोनिम्स। तो साइनोनिम्स क्या होगा? हम माने वो वाले वर्ड्स जिन जिनकी स्पेलिंग जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है लेकिन दे गिव सिमिलर मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग एक जैसा होता है, उन वर्ड्स को हम साइनोनिम्स कहते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है, वो वाले अल्फाज वो वाले वर्ड्स जिनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है, जिनका स्पेलिंग वर्ड बिल्कुल डिफरेंट होता है एक दूसरे से लेकिन माने सेम होता है, ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं? साइनोनिम्स। क्या कहते हैं? साइनोनिम्स। तो ऐसे वर्ड्स जिनका माने एक जैसा होता है, टू डिफरेंट वर्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ वर्ड्स दैट गिव सिमिलर मीनिंग, सच वर्ड्स आर नोन एज साइनोनिम्स। आपने देखा होगा हम अक्सर बोलते हैं कि वो अनटाइडी था, हाँ अनटाइडी, UNTIDY अनटाइडी यानी वो साफ नहीं था, ठीक है? अगर मुझे अब ये दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना होगा मैं बोलूंगी डर्टी, वो गंदा था, ठीक है? नासा भी तो गंदा ही होता है ना, तो डिफरेंट दो वर्ड्स है लेकिन मीनिंग एक जैसा है। या हम अक्सर कहते हैं क्लीन साफ, ठीक है? दूसरा वर्ड इसी के लिए मैं करूंगी इस्तेमाल नीट या टाइडी, वर्ड डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए क्लीन टाइडी नीट स्पॉटलेस ये अलग अलग वर्ड्स है लेकिन इनका माने बिल्कुल सेम है, इनका मतलब है साफ। नीट का भी मतलब है साफ, टाइडी का मतलब भी है साफ, स्पॉटलेस यानी दाग के बगैर वो भी हो गया साफ ही। Different different words है लेकिन similar meaning दे रहे हैं, that means they are synonyms। क्या आप कोई और synonym बोल सकते हैं? Yes ma'am, मैं बोलूं? हाँ no, लेकिन book में जो, हाँ जो book में नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई word जो book में strong powerful
strong, powerful. Exactly. Very good. Or? Ma'am. Rich. Ma'am. Amir. Ma'am. Ma'am. Anji. Ma'am. Evil, bad. Delete. Ma'am. Ma'am. Bunch. Cluster. Cluster. Ma'am. Ma'am. Evil, bad. वेरी गुड. तो आज आप आपकी बुक पे ऑलरेडी कुछ वर्ड्स और साइनोनिम्स देख कर है ना. तो पहले जो 10 है, पहले जो पहले 10 वर्ड्स और साइनोनिम्स है, ये आप अपनी इंग्लिश नोटबुक पर लिखेंगे. इंग्लिश ग्रामर नोट. मैम इंग्लिश ग्रामर नोटबुक लर्न भी करने है? हाँ जी, ये आप लर्न भी करेंगे और आप ये अपनी ग्रामर कॉपी पे बराबर लिखने हैं. साइनोनिम लिखना है ना. टू डिफरेंट वर्ड्स कैन गिव सिमिलर मीनिंग, सच वर्ड्स आर नॉट. आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे बेटा. डोंट राइट डेफिनेशन. यू डोंट नीड टू राइट डेफिनेशन. डेफिनेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है कि साइनोनिम बोलते किसको है. ठीक है, लेकिन वर्ड्स और साइनोनिम्स जो है पहले 10 ये आप लर्न करेंगे. ठीक है, और उनको लिखेंगे. साइनोनिम्स की डेफिनेशन है ये भी लिखनी है फेयर कॉपी पे. आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं. अब खाली पहले 10 आ रही है. डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूँ कि यू डोंट नीड टू राइट डेफिनेशन एट ऑल. आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ याद रखना है, अपने दिमाग में डेफिनेशन रखने की साइनोनिम किसको बोलते हैं. ठीक है, व्हाट यू हैव टू राइट इज कि आप वर्ड साइनोनिम्स जो आपकी बुक पर देकर है पहले 10 लिखेंगे और लर्न करेंगे. सिर्फ इतना आपको लिखना है, बस. आई बात समझ में? साइनोनिम क्या है ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो मुख्तलिफ अल्फाज जो बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, चाहे स्पेलिंग के एतबार से हो, मीनिंग सॉरी प्रोनाउंसिएशन के एतबार से हो, वर्डिंग के एतबार से हो, लेकिन उनका माने एक जैसा हो, ऐसे वर्ड्स को हम साइनोनिम कहते हैं. सो टू डिफरेंट वर्ड्स कैन गिव सिमिलर मीनिंग, सच वर्ड्स आर नोन एज साइनोनिम्स. गॉट इट? कॉपी पे आपको सिर्फ पहले 10 वर्ड्स और उनके साइनोनिम्स लिखने हैं जो कि आपकी किताब में दिए गए. अब आप इसका पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन निकालिए. राइट टू साइनोनिम्स ईच फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उसके राइट साइड में इसके दो साइनोनिम्स लिखने हैं, यानी हम माने अल्फाज लिखने हैं. ठीक है, तो आप सब बच्चे पेंसिल शार्पनर इरेजर सामने रखेंगे, हाथ में रखेंगे पेंसिल. ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है क्लीन. क्लीन का मतलब होता है साफ. इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या आएगा? नीट, एन ई ए